तो नमस्कार दोस्तों, फिलहाल हम आ चुके हैं प्रयाग बोधि गुफा जो बोधगया में ही है। तो फिलहाल हम गुफा के ऊपर चलेंगे और पहाड़ के ऊपर चलेंगे और गुफा के अंदर प्रवेश करेंगे। तो फिलहाल यहाँ बहुत सारे बंदर भी हैं जो आप देख सकते हैं, बहुत सारे था लेकिन बहुत सारे चले गए, अभी भाग गए हैं। तो फिलहाल देखिए और भी कुछ दिखाऊंगा आपको, यहाँ देखने लायक बहुत कुछ है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। मंदिर में पहुंच चुका हूं जो दुंगेश्वरी मंदिर के नाम से जाना जाता है यह मंदिर, और इसको हम लोग बोधि गुफा बोलते हैं और यह बोधि गुफा के भी नाम से यह जाना जाता है। लेकिन बहुत ही बढ़िया है, और जो देख रहे हैं जो हमारे पीछे जो पहाड़ है, इस पहाड़ के अंदर ये गुफा है जो फिलहाल अभी हम मंदिर के ऊपर चढ़े हुए हैं। पहाड़ के मतलब पहाड़ पे जो मंदिर, उस पर चढ़ के इस गुफा का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे और आप गुफा के अंदर चलेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और इस नज़ारा और मंजर को देखिए जो गुफा है। तो फिलहाल ये जो गुफा दिख रहा है, देख रहे हैं ये जो गुफा है, फिलहाल तो इसका गेट बंद है क्योंकि यहाँ बंदरों की झुंड आती है और इस गुफा के अंदर चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। जितने भी यात्री गण आते हैं, श्रद्धालु वगैरह आते हैं, उनको भी परेशानी होती है। तो चलिए तो दोस्तों, अब हम लोग गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो ये गुफा का नज़ारा है, बहुत ही अंधेरा है, और चलिए। तो दोस्तों, यही यह जगह है जहां 2500 साल पहले राजकुमार सिद्धार्थ 6 साल तक तपस्या करने के बाद यहां से बोधगया जाते हैं और वहां उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है और वह भगवान गौतम बुद्ध कहलाते हैं। तो दोस्तों, यही यह जगह है। तो दोस्तों, फिलहाल यहाँ आरती लगी हुई है जो मैं आरती को ले लेता हूँ और मैं इनका आशीर्वाद लेकर यहाँ से निकलता हूँ। और भी कहीं जाना है तो चलिए, तो हम लोग निकल जाते हैं, अब चलते हैं और देखते हैं। तो ये गुफा के बाहर का नज़ारा है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ लिखा हुआ है बोर्ड में, तो देख सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ इंडिया का ही लोग नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं, सभी लोग आते हैं और यहाँ पर अपना उपदेश लेकर आते हैं और पूजा पाठ वगैरह करते हैं। तो चलिए दिखा सकता हूँ आपको। और ये हमारे पीछे जो मैं बोला कि पहाड़, इसी पहाड़ में ये गुफा है और यहीं पर ये माँ दुंगेश्वरी या दुंगेश्वरी मंदिर के नाम से जाना जाता है यह पहाड़। और इस पहाड़ के ऊपर आप जब चढ़ते हैं तो यहाँ से आपका पूरा जो शहर बोध गया का, अधिकतर आधा शहर का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ देखिए, बहुत हरे भरे झंडे लगा हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट भी करें ताकि हम आपके लिए एक से एक और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बना के आपको दे सकूँ। तो जय हिंद, जय भारत, हमारी वीडियो के साथ बने रहें। तो दोस्तों, अब हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, बहुत ही शानदार मजा आया। नीचे की ओर चलेंगे, बस जा ही रहे हैं। देखिए जो मंदिर दिख रहा है, तो यहाँ बंदरों की बहुत बड़ा झुंड है जो अगर आप कुछ आए हैं तो जरूर कुछ खाना उना लेके आइए ताकि बंदर आपसे बहुत प्यार करेंगे, आप दीजिए उनको। और देखिए, आपके हाथ से भी लेके चल जाएंगे लेकिन आपको कोई तरह का हानि तो नहीं पहुंचाएंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए जो लोग को खिला रहे हैं, खिला लेके केला वगैरह बिस्कुट वगैरह सबको खिलाते हैं। आप भी आइएगा तो आप भी खिलाइए। ये चचा हैं जो एक पेटी कुछ बंदरों के लिए खाने के लिए लाए थे ना चचा,
तो आप खिलाएं, बहुत प्यार से खिलाएं, किसी तरह का हानि नहीं करता है, कोई हानि नहीं, कोई नुकसान नहीं करता है, कोई आराम से खाता है। चलिए बहुत अच्छा बात है। आप कब से डेली लाते हैं क्या? नहीं, हर संडे तो लाते हैं, हर संडे लाते हैं, कुछ खिलाते हैं। तो ये से दोस्तों, ये देखिए, ये बंदरों की झुंड है जो काफी मात्रा में है यहाँ पर। लोग शौक से आते हैं, कुछ खिलाते वगैरह भी हैं, और सबको मतलब प्यार दुलार उनको भी चाहिए। ये भी आखिरी जान है, इनमें भी प्राणी है, ये भी इंसान की प्रजाति है। हाँ, तो देख सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों,